2024 लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में INDA गठबंधन के अनुसार उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर अपना दावा कर रही है। 2004 में हरिद्वार सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, वहीं उत्तराखंड की उधम सिंह नगर सीट पर समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रही है, क्योंकि वहां से डिंपल यादव वहां की रहने वाली हैं, अखिलेश यादव की ससुराल है वहां पर। तो ऐसे में इन दो सीटों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी नज़र बनाए हुए है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनसे जानेंगे, और यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं देहरादून के। सर, गठबंधन के अनुरूप अगर कोई सहमति बनती है तो वो कौन सी दो ऐसी सीटें रहेंगी उत्तराखंड में जिस पर समाजवादी पार्टी की नज़र है? अभी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से वार्ता हुई थी इस विषय में कि अगर गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ती है तो उसमें सबसे पहला प्रपोजल तो हमने ये रखा था कि डिंपल यादव जी को उत्तराखंड से सांसद का चुनाव लड़ाया जाए। अगर डिंपल यादव जी उत्तराखंड से सांसद का चुनाव लड़ती है तो हम उनके लिए पौड़ी सीट की मांग करेंगे, क्योंकि वो उनका घरेलू क्षेत्र है और वहाँ उनका अपना वर्चस्व भी है। बाई चांस कि अगर गठबंधन से हमें दो ही सीट मिलती हैं तो उसमें हम उधम सिंह नगर और हरिद्वार के लिए सबसे बड़ा हमने प्रपोजल करा है कि हमारा जो है सांसद का जो चुनाव होना चाहिए हरिद्वार और उधम सिंह नगर से हमारा कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात है कि 2004 के बाद से समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तराखंड में ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, ना तो आपका कोई चेयरमैन बन पाया ना विधायक बन पाया। ऐसे में सांसद की अगर आप मांग करेंगे टिकट की यहाँ पर, तो कैसे गठबंधन चल पाएगा? क्योंकि सीधे तौर पर अगर कोई फाइट देता है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में तो वो केवल कांग्रेस दिखाई देती है। नहीं, आपकी बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरा है, परंतु फाइट देने से मतलब नहीं होता है। हम दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ देंगे, इस बेस में आके हम चुनाव लड़ेंगे। आप वोट परसेंट उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड में वोट तो मिला ही है ना, उस वोट को मिलने से वोट परसेंट हमारा बढ़ा है, घटा नहीं है। और अभी हमारे माननीय शंभू प्रसाद पोखरियाल जी प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो भी अच्छी राह पर काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से पार्टी में काफ़ी मजबूती आई है। ऐसा नहीं है क्योंकि पहाड़ों पहाड़ों में जाके उन्होंने माणा तक का सफ़र करा है, आने वाले समय में इसी हिसाब से चलते तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। यादव जी, अभी निकाय चुनाव भी होने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई वर्चस्व जिस तरह का यूपी में है वो उत्तराखंड में बनता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो पहाड़ के लोग हैं वो सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी से नाराज़ रहते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है कि जो वोट परसेंटेज है आपका वो बढ़ नहीं पाया, किसी भी चुनाव की अगर बात करें तो। अब चुनाव जो है, अब गठबंधन बढ़ेगा, और जो हुआ है इससे क्या हुआ कि BJP ने हम लोगों को बदनाम किया है। जो उन्होंने कांड कराया है वो हमारे ऊपर सर पर बोझ पर मार रही है, ये काम BJP का हाथ है इसीलिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव में अगर जिस तरह से आपको हरिद्वार सीट दे दी जाती है, क्या किस लिहाज से आपको लगता है कि हरिद्वार दोबारा से आप जीत लेंगे? क्योंकि अभी की जो मौजूदा परिस्थिति है वहाँ पर केवल दो ही पार्टियाँ मजबूती से दिखाई देती हैं, एक तो कांग्रेस, दूसरी भाजपा। और 2014 के बाद से आज तक भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर। नहीं, अब समाजवादी पार्टी का अस्तित्व बढ़ रहा है, और अधिक से हम कोशिश है कि इस बार हम जीतने की उम्मीद में लड़ेंगे हरिद्वार में। डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की अगर बात की जाए तो कोटद्वार उनका घर है, पौड़ी की वो रहने वाली हैं, लेकिन उनका दूसरा घर उधम सिंह नगर में बन गया है, उनके पिताजी वहाँ रहते हैं, वहाँ पे भी उनके काफ़ी रिश्तेदार हैं। तो इन दोनों सीटों को क्या डिंपल यादव के लिए आप लोग मांग रहे हैं, या फिर किसी और को यहाँ से ऐसा उम्मीदवार आप नज़र में आपकी है जो चुनाव लड़ेगा? नहीं, सबसे पहले तो हमारी पहचान यही रहेगी कि माननीय डिंपल यादव जी के यहाँ से चुनाव बढ़ाया जाए, क्योंकि डिंपल यादव जी के चुनाव लड़ने से जो राष्ट्रीय लेवल से चुनाव लड़ेंगे उसमें एक तो पार्टी का वर्चस्व ही बढ़ेगा, और जो मतदाता हैं उनका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ जोर शोर से जाएगा कि राष्ट्रीय लेवल ने अपने ही परिवार से किसी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया है। लेकिन पहाड़ी वोटरों का क्या करेंगे, वो तो काफ़ी नाराज़ रहते हैं आप लोगों से। पहाड़ी वोटर ऐसा कोई नाराज़ नहीं है, आप अंदर खाने देखिए, ये तो जो ऊपरी तत्वों के लोग हैं वो बदनाम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड के लिए माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार में जितने काम हुए हैं, इतने काम आज तक किसी सरकार ने नहीं कराए हैं। BJP हो चाहे कांग्रेस हो, ये धरातल पर कोई काम नहीं कराती हैं, ये तो खाली जो है हल्ला गुल्ला करने का काम करती हैं। अच्छा, गठबंधन के अनुरूप अगर कांग्रेस मना करती है कि इन पांचों सीटों पर आप चुनाव ना लड़ें, यहां पर केवल हम ही चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का क्या रुख होगा? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। चलिए,
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव और नगर अध्यक्ष थे देहरादून के। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड से दो सीटों की मांग कर रही है, दोनों सीटों पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, साथ में पौड़ी ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि डिंपल यादव यहाँ की रहने वाली हैं। डिंपल यादव को उधम सिंह नगर या फिर पौड़ी से चुनाव लड़ाने की मांग समाजवादी पार्टी उत्तराखंड कर रही है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन की अगर बात करें, कांग्रेस कहीं भी इस प्रकार से अभी मूड में नहीं दिखाई दे रही है कि वो किसी को अपनी सीट यहाँ से शेयरिंग करेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधे तौर पर टक्कर होती है, समाजवादी पार्टी को लेकर के कांग्रेस के मन में संशय है, तो लगता नहीं है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को किसी भी तरह से उत्तराखंड में कोई सीट देने के मूड में है। लेकिन डिंपल यादव को चुनाव लड़ाने की बात करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।